Assalamualaikum friends, welcome back to our channel. This is me Huda and today we are going to the pet shop. Let's go! You're Jody? Yeah. Say hi. Hi. How are you? How are you? What are you doing, boy? Guys. What are you doing, guys? Good. Hiccups? You're having hiccups? Assalamualaikum friends, welcome back to our channel. तो जैसे आज हुदा ने कहा कि हम पेट शॉप जा रहे हैं, कैट को ग्रूम कराना था, उसके बाल बहुत बढ़ गए थे और हेयर फॉल भी उसे बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए हमें जाना था पेट शॉप उसकी ग्रूमिंग करने के लिए. तो चलिए चलते हैं. बच्चे इतने खुश होते हैं जब हम लोग पेट शॉप जाते हैं, तो इनके एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और ही होता है. दे आर वेरी हैप्पी क्योंकि उन्हें एनिमल्स इतने पसंद हैं और उतना ही मुझे डर है एनिमल्स से. मैं बहुत डरती हूँ हर एक जानवर से और इस बिल्ली को रखना मेरी एक मजबूरी है क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्लियाँ बहुत 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 पसंद है और मुझे उतना ही डर है. लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए, वैसे ये बिल्ली बहुत अच्छी है, स्नूपी बिल्कुल कुछ नहीं करती, शी डजंट हार्म एट ऑल, कभी कोई स्क्रैच नहीं करती, कभी गुस्सा नहीं करती. शी इज़ वेरी 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 क्यूट एंड वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी हार्मलेस. सो इस वजह से आई हैव लेट हर टू बी इन माई हाउस जस्ट बिकॉज ऑफ माई किड्स. दे लव स्नूपी सो मच कि मैं सोच भी नहीं सकती उसे अबैंडन करना. और यहाँ आपको नजर आएंगी ढेर सारी कैट्स, बर्ड्स, डॉग्स, स्पैरोज, पता नहीं और क्या क्या, इतने सारे यहाँ पर एनिमल्स इन लोगों ने रखे हुए हैं, उनके एक्सेसरीज, उनके खाने, उनके वैरायटी ऑफ फूड्स, ट्रीट्स, हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी यहाँ पर. कैनल्स एंड उनके बिल्लियों के घर, केजेस, बर्ड्स के केजेस, कैनल्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. एक वैरायटी ऑफ थिंग्स, जस्ट यू नेम इट एंड दिल गिव यू. काफ़ी अच्छे हैं ये पेट शॉप्स जो है ना. नर्सिंग मदर्स नज़र आएंगी, बहुत अच्छा है यहाँ पर. मेरे बच्चे तो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं यहाँ आकर कि मैंने वॉल्यूम कम कर दिया है क्योंकि इनके चिल्लाने की आवाज़ें जो हैं हर जगह थी. मम्मा, यू नीड टू शो दिस टाइनी बेबी पॉपी Also, they're turtles. See? They're tiny babies. Oh my god. That's what is down here? There's also one thing. There's another puppy. Also, you're thinking, what is inside that? Those are turtles. He's putting his head inside? No.
और ये रही हमारी स्नूपी जो ग्रूम होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हम लोग शेव करते हैं, इसके बाल कम करते हैं क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं आजकल, मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज, गर्मी की वजह से या पता नहीं क्या, बट शी इज़ हैविंग टू मच ऑफ हेयर फॉल, तो इसकी ग्रूमिंग हो रही है। देन शी विल हैव अ बाथ एवरीथिंग, फिर नेल्स कट करेंगे, उसके ईयर्स क्लीन करेंगे। यू कैन सी एवरीथिंग इन दिस वीडियो। नाउ शी इज़ हैविंग अ स्पा टाइम, पेडिक्योर मैनीक्योर एवरीथिंग। Yeah, I think so. If you think it's not, that's so scary. They're really coming to bite you like that. They want to. His heartbeat is going so fast. Hey. Oh, look at that.
so fluffy. Can we buy this, Papa? In your dreams. So lovely. And then Snoopy was completely ready. She had taken her shower and now drying up her hairs. She was looking very pretty. A little more touches, cleaning up her paws and everything. She was very happy, a bit scared, but after her grooming was done, she was very happy and she looked very pretty. Snoopy is good to go home. She is ready completely. So come on, let's go home. We reached home just now. I could try it. No one touched that cat. She's a puppy. She's keeping it. These are few things we got for Snoopy from pet shop. These are her treats and her comb. Hope you all have liked the grooming session. If you did, please like, share, comment and subscribe to my channel. And this is all for today's vlog. Bye.